हुकुम, इसमें कोई दोराय नहीं, दहशत जबरदस्त है और इसके लिए एक आदेश तो आज जारी होना ही चाहिए, स्कूलें तो बंद करनी चाहिए। ये स्कूलों में जैसे ही बंद होगी लोगों में दहशत भी बढ़ेगी, लोग आप जो चाहते हैं कि बिहेवियर करें वो सब मानेंगे, आपका प्रोटोकॉल जो भी लागू करोगे, क्योंकि वास्तव में दहशत है और ये बच्चों से ही ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक बार चाहे 7 दिन ही आप बंद करो तो लोगों को ये पता चलना चाहिए गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि सुबह ऑटो बस सब साधनों में आपको बच्चे भरे हुए मिलेंगे, एक एक ऑटो में। तो क्या करना कि आप क्या कहते हैं, स्कूल बंद करने चाहिए, बंद करने चाहिए, स्कूल बंद करने चाहिए। अभी बंद, अभी भगवान जी अभी विंटर वेकेशन चल रहा है सर, 3 तारीख से प्रारंभ होने वाले थे सर, मतलब अभी छुट्टियां चल रही हैं और 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। 3 तारीख नहीं खोला आपका मतलब? मेरा मानना ये है स्कूल अभी 7 अभी बंद है, छुट्टी है, अभी तो 3 दिन बाद खुल जाएंगे सर, 3rd से खुल जाएंगे फिर से। 3 तारीख हाँ सर, तो बंद अभी तो बंद है, पर सर आगे बंद करना चाहिए एटलीस्ट 15 दिन के लिए तो करना ही चाहिए सर। स्कूल बंद करने से एक हुक्म क्या होता है, जैसे ही आप स्कूल बंद करते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी या सकती हो, या भीड़ ज्यादा सब ज्यादा इन्हीं जगहों पर है, और एक बार आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो लोग आपका जो आदेश जाएगा उसमें उस सब लोगों में डर भी है, ऐसा नहीं है डर नहीं है, डर है। मान लीजिए जैसे ही ये शुरू हुआ, रोज अखबार में खबर आती है, टीवी पर आती है, तो मैं भी जैसे भीड़ में रोज मिलता हूँ, अभी सुबह मिल रहा था तो खुद लगा लूंगा मास्क, डर तो सबको लगता है कि हो नहीं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इसमें प्रताप सिंह जी फिर अभय कुमार जी कोई हमें थोड़ा असेसमेंट कर रहे हैं कि जैसे पंजाब ने किया तनख्वाह रोक दी कर्मचारी, अपन वो नहीं कर रहे हैं, कई लोगों ने एंटी माल वगैरह में एंट्री बंद कर दी है बिना वैक्सीन के, उसी ढंग से आपको ये फैसले करने पड़ेंगे भाई, स्कूल के बच्चों की स्कूल अगर बंद करनी है तो वही बाद में खोलेंगे तब भी उनके माँ बाप का भी वैक्सीन होना जरूरी है, ये कुछ आपको फैसले करने पड़ेंगे। जी सर, तब जाके लोग मानेंगे, फिर थोड़ी कड़ी तो करनी पड़ेगी। देखो एक बात समझानी पड़ेगी लोगों को, जैसे आप ये मान लीजिए आपको मैं तो नहीं लगाऊंगा, आपको अधिकार नहीं मना करने का कानून के हिसाब से, क्योंकि आप खुद संक्रमित हो, आपको नहीं मालूम पड़ रहा, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आप जहाँ जा रहे हो आप फैला रहे हो, अपने परिवार में भी बाहर ही फैला रहे हो, इसलिए आपको अधिकार नहीं किसी इंसान को, क्योंकि मैं तो नहीं लगवाऊंगा भाई, कानून की सर मेरे ख्याल क्या अभी कुमार जी सर, वो जो हमने एग्जामिन कर लिया सर, मेघालय हाई कोर्ट का एक फैसला भी था, उसके अनुसार जो भी प्रावधान कर सकते हैं हम कर देंगे सर। हाँ जी सर, मेरा मतलब कि ये जो है ना हमें दबाव देना पड़ेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि अपनी फैलता बहुत ज्यादा है, तो बोलो आप।